हम आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाते हैं। देखो रकम दी हुई है 235.6225। तो आपने क्या करना है कि जो ये रकम दी हुई है इसका हमने वर्गमूल निकालना है। तो हमने इसके इस तरफ लैंड डाल दी, ठीक है जी, इस तरफ हमने लैंड डाल दी और इस तरफ भी हमने लैंड डाल दी। अब देखिए कि इस तरफ जुट बनाने हैं राइट साइड में, इस तरफ लेफ्ट साइड में, तो दो दो का जुट बन गया, दो अंकों का जुट है और ये दो अंकों का जुट है, ठीक। और दूसरा इस पॉइंट के लेफ्ट साइड ये दो अंकों का जुट है और ये एक अंक का जुट है। अब देखो पहले इस अंक से शुरू करते हैं, पहाड़े आते होंगे आपको। देखो एक एकम एक, एक को एक के साथ गुना किया तो एक। अब मैं दो को दो के साथ गुना करता हूँ, दो दूनी चार, चार तो अधिक हो गया इसलिए एक के ऊपर जाएगा, क्योंकि दो के ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि दो को दो के साथ गुना करने पे चार आता है। ये दो छोटा है इस चार से पर एक से बड़ा है इसलिए एक के ऊपर चला गया, तो एक यहाँ लिख दिया मैंने, ऊपर लिख दिया एक। तो अब मैंने क्या करना है, घटाना है। देखो दो में से एक गया एक, अब पूरा जुट उठा लेते हैं, ये 35 हमने उठा लिया। अब इस एक को जो ये वाला एक है दो के साथ गुना करते हैं तो कितना हो गया, दो। तो यहाँ हमने लिख दिया दो, ठीक है जी। अब दो के आगे एक लगाकर एक के साथ गुना करता हूँ मैं, ये इसका सिस्टम है। एक दो एकम दो 21, अभी 135 अधिक है। तो मैंने क्या किया, दो के आगे इस दो के आगे मैंने दो लगा के देखता हूँ, फिर दो के साथ गुना करता हूँ, दो दूनी चार, दो दूनी चार, अभी भी 135 से अधिक है, 44 से अधिक है। तो मैंने क्या किया, अब मैं दो के आगे तीन लगाता हूँ और तीन के साथ गुना करता हूँ, तीन तीन नौ, तीन दूनी छः, अभी भी अधिक है। दो के आगे चार लगाया और चार के साथ गुना करके देखता हूँ, चौकम चौके 16, आसर एक, चार दूनी आठ, एक नौ, अभी भी अधिक है। दो के आगे अब मैंने पाँच लगाया, पाँच के साथ गुना करता हूँ, पंजो पंजा 25, पाँच दूनी 10 और 12, 125, अभी भी अधिक है। छः लगा के देखता हूँ और छः के साथ गुना करता हूँ, छिकम छिकम 36, छः दूनी 12, 12 और 3 15, 156 हो गया। तो 156 अधिक है इसलिए हम इसके ऊपर नहीं भेजेंगे, इसके ऊपर 125 है, 125 आता है रिजल्ट, इसके ऊपर जाएगा, पाँच के ऊपर गया था, यहाँ पाँच लिख देना है हमने, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। हमने अब आगे भेजते हैं, ये जो पाँच के ऊपर गया था ना, तो इस पाँच को यहाँ लिखना है हमने, इस पाँच को हमने इधर लिखना है। तो पाँच में से पाँच गया 0, तीन में से एक गया, दो गया एक। तो अब आगे पॉइंट, यहाँ भी हमने पॉइंट डाल दिया, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा ये, फिर मैं और मोटा कर देता हूँ, अब दिखाई देने लग गया। अब एक जुट उठा उतार लिया नीचे 62 का, 62 का, अब इसको 15 को दुगना कर दिया, इस 15 को दो के साथ गुना कर दिया, 15 दूनी 30, तो ये 30 इधर आ गया।
अब ऐसे ही मैंने क्या करना है, 30 के आगे एक लिखना है, 30 के आगे, 30 के आगे एक लिखना है और एक के साथ गुना करना है, नहीं जाएगा, 301 है, 1062 अधिक है। फिर 3 के आगे 2 लगाऊंगा, 2 के साथ गुना करूंगा, 2 दून 4, 3 दून 6, नहीं जाएगा। 3 के आगे 3 लगाऊंगा, फिर करके देखूंगा, 3 3 9, 3 3 9 अभी भी अधिक है। अब 4 के आगे करके देखता हूँ, 304, 4 4 3 चौकन चौकन 16, 4 3 12, अब ये अधिक हो गया है, अब ये अधिक हो गया है 1216 1062 से, इसके ऊपर नहीं जाएगा, 3 के ऊपर जाएगा 909। ठीक है बच्चे, ये 909 के ऊपर चला गया 3 के ऊपर, किसके ऊपर चला गया, 3 के ऊपर। तो हमने इसको भेज दिया, 4 के ऊपर क्यों नहीं भेजा, क्योंकि 4 पे अगर 304 लिखते हैं तो 1216 आता है, जो 1062 से अधिक है। अब घटाइए, 12 में से 9 गए, 3 5 आ गया और 10 में से 9 गए, 1 आ गया। अब देखो 153 है, यहाँ क्या है, 153, 153 को दुगना कर दीजिए, 2 के साथ गुना कर दीजिए, और यहाँ लिखना है हमने, ऊपर से एक जूट उतार लीजिए 25 का, तो ये है 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 1 3, 306 आ गया, 306, 2 3 6, 5 दूनी 10, 2 1 3, 306 आ गया। अब वैसे ही हमने गिनती शुरू करनी है, 306 के आगे हमने लगा देना एक, और फिर एक के साथ गुना करके देखना है, तो 3061 आता है, अभी 15325 अधिक है। ऐसे ही 2 के ऊपर करेंगे, 2 3 2 6 12, 2 3 6 नहीं, 3 3 3 9 नहीं, 4 4 3 12, 5 के ऊपर करके देखते हैं, ये 5, फिर 5 के साथ गुना करते हैं, 5 5 25, 2 6 5 5 30, और ये 32, 5 3 15, लो जी ये 5 के ऊपर पूरा का पूरा ही चला गया, कितना आ गया, 5 के ऊपर 15325, 15325 घटाइए, ये घटा देते हैं, ये कट गया, ये किसके ऊपर गया था, 5 के ऊपर, तो यहाँ हमने 5 लगा देना है। तो सीधी सी बात है, जो 235 का वर्गमूल है, ये रफ वर्क है, 235.6225, 6225 का वर्गमूल है जो, वो है हमने जो निकाला, 1535, 1535। इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। एक बार फिर आप ध्यान दीजिए, इसके जुट बनेंगे, फिर जो राशि निकाली जाएगी, जैसे 1 2 3 4, उसका पहाड़ा किया जाएगा, उसके उस इस राशि से छोटा या इसके बराबर हो तो उस अंक पे जाएगा, जैसे 1 है, फिर उसका दुगना करते जाएंगे हम, फिर कोई राशि लिखकर 1 2 3 4 उसके राइट साइड पे लिखकर फिर उसके साथ गुना किया जाएगा, इससे छोटा या इसके बराबर, फिर घटाते जाएंगे, और इस तरह से हमारा वर्गमूल निकल जाएगा। थैंक
थैंक यू वेरी मच।